हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 1110 यूट्यूब चैनल। 1110 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे तीन ऐसी लाइन के बारे में, यदि आपका पार्टनर आपसे नाराज होकर वो दूर चला गया है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे तीन लाइन तीन ऐसे मैसेज हैं, अपने पार्टनर को किसी भी माध्यम से भेज दीजिए या उनको बोल देते हैं तो वो आपके पास लौट के 100% आएगा। यदि जो आपका है वो आपके पास लौट के जरूर आएगा, जो आपका नहीं है तो वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। यदि आपके पार्टनर ने आपसे सच्चा प्यार क्या होगा, आपका प्यार सच्चा होगा, तो वो आपसे नाराज है, कुछ इस तरह से कुछ दूरियां बन गई हैं। तो यहाँ पे तीन ऐसी लाइन फ्रेम करके अच्छी तरह से फ्रेम की गई हैं, यदि इनको आप बोलते हैं तो वो बिल्कुल रह नहीं पाएगा, आपके पास लौट के 100% आएगा। तो यह वीडियो गर्ल्स बॉय दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन है वो ये कि हाउ टू गेट पार्टनर बैक, पार्टनर को वापस कैसे पाए, इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन है। यदि आपका प्यार सच्चा होगा, आपके पार्टनर ने आपसे सच्चा प्यार किया होगा, तो वो लौट के 100% आएगा। जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपके पास जरूर लौट के आएगा। तो यहाँ पे तीन ऐसे साइकोलॉजिकल मैसेज लाइन फ्रेम करके रखी गई हैं, जिनको यदि आप किसी भी माध्यम से भेजते हैं अपने पार्टनर को या बोल देते हैं तो बिल्कुल रह नहीं पाएगा, आपके पास लौट के 100% आएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं वो लाइन कौन सी है। पहली जो लाइन है वो ये है कि तुम्हें चाहने का ही तो जुर्म किया था, तुम्हें चाहने का ही तो जुर्म किया था, तुमने तो पल पल मरने की सजा दे दी मुझे। ये लाइन आप फ्रेम करके किसी भी माध्यम से उनको भेजिए या उनको बोल देते हैं, किसी भी थर्ड पर्सन से आप भिजवा देते हैं या उनसे लिखकर आप भिजवा देते हैं किसी भी मैसेज टाइप की, तो वो इस तरह से शोक हो जाएगा, मतलब ये लाइन पढ़ेगा या सुनेगा तो वो बिल्कुल रह नहीं पाएगा। मतलब क्या आप इस लाइन में लिखते हैं, तुम्हें चाहने का ही तो जुर्म किया था, तुमने तो पल पल मरने की सजा ही दे दी मुझे। मतलब आप इस लाइन में इतनी मतलब अच्छी तरह से लिखते हैं कि आपने तो मुझे ऐसी सजा दे दी कि मैं पल पल ही मरूंगा आपके प्यार के लिए। मतलब हमने आपसे इतना प्यार किया और आपने मुझे इतनी बुरी सजा दे दी कि हम पल पल मरेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, आपसे वो सच्चा प्यार करेगा, मतलब आपने आपके पार्टनर ने आपसे सच्चा प्यार किया होगा तो वो इस बात को जरूर समझेगा कि हाँ, ऐसा लॉयल पार्टनर मुझे कहीं नहीं मिल सकता, ऐसा सच्चा प्यार करने वाला हमें कहीं नहीं मिल सकता, हमें इससे ज़्यादा नहीं रूठना चाहिए, अब हमें इससे बात कर लेनी चाहिए। तो ये लाइन इस तरह से प्रिंट की गई है कि आपका पैटर्न मान ही जाएगा। बात करते हैं दूसरी जो लाइन है वो भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस लाइन को भी आप भेज सकते हैं। इसको देखिए, पढ़ते हैं। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, पर किसी अपने का साथ छूट जाने से इंसान पल पल मरता है। ये लाइन इस तरह से साइकोलॉजिकल है कि आपके पार्टनर को माइंड को चेंज कर देगी एकदम। वो आपसे नाराज हुआ बैठा है, बात नहीं कर रहा है, मतलब आपसे एकदम रूठ गया है कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, आपके साथ नहीं रहूँगी, आपसे बात ही नहीं करूँगा या करूँगी। तो ये लाइन आप उनको भेजिएगा तो वो एकदम इस तरह से उनके माइंड को ये लाइन चेंज कर देगी कि क्या मतलब सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, मतलब कि हमारी जो सांस निकल जाए तो हम एक बार मरेंगे, लेकिन आप टूट गए, मतलब किसी अपने का साथ छूट जाने से हम पल पल मरेंगे। उसके माइंड को इस तरह से ये सटीक बैठ जाएगा कि ऐसा लॉयल पार्टनर जो मुझे सच्चा इतना प्यार करता है कि हमारे बगैर बिल्कुल रह ही नहीं पाता है, तो ऐसे इंसान को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ऐसे लोग ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आता है, सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है। तो हमें सच्चा प्यार करने वाला मिला है तो हमें ऐसे पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहिए, ये बात आपके पार्टनर के माइंड में एकदम सटीक से बैठ जाएगी तो वो आपके पास लौट के आएगा, आपसे बात दोबारा जरूर 100%। अब बात करते हैं थर्ड जो लाइन है वो भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लाइन एकदम साइकोलॉजिकल तरीके से फ्रेम की गई, कोई भी लाइन भेजते हैं इनको आप बारी बारी से भेज सकते हैं, इनका असर आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। देखिए, लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है, लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज़्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई पास होकर दूरियाँ बना ले। ये भी लाइन इतनी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यदि आपका पार्टनर आपसे मतलब दूरियाँ बना लिया है, उसने दूर आपसे मतलब नाराज़ होकर वो दूर चला गया, वो हमसे बात ही नहीं करता है,
तो ये लाइन आप उनको भेजिए, वो 100% मान जाएंगे। मतलब सच्चा प्यार किया होगा आपके पार्टनर ने तो वो 100% मानेंगे और आपसे बात भी करेंगे। ये लाइन इस तरह से चेंज कर देती है उनके माइंड को कि वो बिल्कुल रह ही नहीं पाएंगे। मतलब कि लोग कहते हैं कि कोई अपना दूर चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, मतलब प्यार ज़्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई पास होकर दूरियां बना ले। मतलब हमारा नज़दीकी, हमारा सच्चा प्यार हमसे करने वाला हमसे दूरियां बना लेता है तो इतनी तकलीफ होती है कि हम रह नहीं पाते हैं। तो वो भी सोचेंगे हमसे जो सच्चा प्यार करता है, इतना लॉयल पार्टनर है, हमें इसे ज़्यादा नहीं तड़पाना चाहिए, ऐसे लोग दोबारा नहीं मिलते या ऐसा रिलेशनशिप हमारा बिगड़ गया तो ये दोबारा नहीं होने वाला, सच्चा प्यार दोबारा नहीं होने वाला। तो ये तीनों लाइन आप फ्रेम करके अपने पार्टनर को बोलिएगा, 100% वो आपके पास लौट के जरूर आएगा और वो मान भी जाएगा, आपसे बात भी करने लगेगा। दोस्तों आई होप ये तीनों लाइन आपको पसंद आई होंगी, और एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। एंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कॉल फॉर मी ऐप के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।